दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपन लोग क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज 8.2। कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं अपन? क्वाड्रिलेटरल की एक्सरसाइज 8.2। वी आर स्टार्टिंग आउट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। तो सर क्वेश्चन नंबर वन ऑफ क्वाड्रिलेटरल बोलता क्या है हमारे पास कि ABCD, अगर मैं बात करूं तो ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल एंड PQRS आर मिड पॉइंट्स। ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल एंड PQRS आर मिड पॉइंट्स। PQRS आर मिड पॉइंट्स। तो सर पहली बात तो गिवन क्या है हमारे पास? सर गिवन क्या है? ABCD क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास। क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। सर अगर हम बात करें और क्या गिवन है? PQR एंड S क्या है हमारे? मिड पॉइंट्स। ठीक है ना सर? हम जो मेन थ्योरम लगाने वाले हैं पूरे उसमें, वो थ्योरम सिर्फ इतनी बोलती है कि कोई भी लाइन लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स, लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। पैरेलल टू व्हाट? थर्ड साइड एंड इज हाफ ऑफ इट। सर क्या यही मिड पॉइंट थ्योरम कहलाती है इंग्लिश में? मैंने बोला हाँ। इसी को क्या बोलते हो आप? मिड पॉइंट थ्योरम। कि कोई भी लाइन अगर दो ट्राइंगल्स की साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर रही है तो वो पैरेलल टू क्या होगी? थर्ड साइड एंड इज हाफ ऑफ इट। सर इस पूरे क्वेश्चन में आपको टू प्रूव में क्या है? तो सर अगर अपन टू प्रूव में लिख के चल चले तो हमारे पास टू प्रूव में गिवन है आपको। अगर अपन बात करें तो टू प्रूव में आपको PQRS को क्या प्रूफ करना है? पैरेललोग्राम। सर ठीक है, टू प्रूफ PQR एंड S इज पैरेललोग्राम। QRS इज पैरेललोग्राम। सर ठीक है, मतलब अच्छी बात है। मैंने बोला हाँ, बात है तो फिर अच्छी ही है। अगर मैं सिस्टमेटिक बात करूं और अच्छे से बात करूं तो ये आपने ज्वाइन क्या करना है? ये कंस्ट्रक्शन है आपके पास कि आपको ज्वाइन क्या करना है? BD। सर स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट। हाँ ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर अपन बात करें, आपने ज्वाइन क्या कर लिया? BD। सर कौन सा ट्रायंगल ले रहे हो? मतलब ऐसे ही ट्रायंगल लेने की बात हो रही है। बच्चे बोल रहे हैं बुक में AC है, चाहे तो आप AC ज्वाइन कर लो, चाहे तो आप BD ज्वाइन कर लो, कुछ भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको AC भी ज्वाइन करना है तो आप AC भी ज्वाइन कर सकते हो यहाँ से। इसको अपन BD को हटा के सीधा दोनों से बात एक ही पड़ेगी, ठीक है ना? बट ठीक है, बच्चों की खुशी के लिए अपन AC को भी ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है चलो, अब अगर अपन बात करें अच्छे से तो आप सर कौन सा ट्राइंगल लेना चाहोगे? इन ट्राइंगल ABC करेंगे सब लोग साथ में, आगे पीछे नहीं करेंगे, तो साथ में लिखना शुरू करो। इन ट्राइंगल ABC P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, Q इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। सर आपने सिखाया था कि ये अभिषेक होता है, ये ऐश्वर्या होती है, तो अमिताभ तो आता ही है। तो सर अगर ये इसका मिड पॉइंट है और अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो अपन बोल सकते हैं PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC बाय व्हाट? मिड पॉइंट थ्योरम। तो सर मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है कि अगर ये दोनों मिड पॉइंट है तो ये तो लाइन ज्वाइन कर रही है मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, देन इट वुड बी पैरेलल टू थर्ड साइड एंड इज हाफ ऑफ इट। चेक करो यहां तक हो गया क्या आपका? चलेगा दोस्तों? सर सेकंड पार्ट क्या चलेगा इसका? देखना जो फर्स्ट पार्ट कर रहे बार बार काम आएगा। अब सर ये आपकी स्टेप वन मानते हैं,
स्टेप टू क्या, कुछ नहीं, इन ट्राइंगल ए डी सी, इन ट्राइंगल व्हाट, ए डी सी, कैन वी से कि भाई एस आर एस इज क्या मिड पॉइंट ऑफ कितना, ए डी, एस इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी, और आर इज अगर अपन बात करें एस इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी, उसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास, आर इज, आर इज मिड पॉइंट ऑफ डी सी, एस इज मिड पॉइंट ऑफ व्हाट, ए डी, एंड आर इज मिड पॉइंट ऑफ डी सी. तो क्या हम बोल सकते हैं कि एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज इक्वल टू कितना, हाफ ऑफ ए सी बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय व्हाट, मिड पॉइंट थ्योरम. सर मिड पॉइंट थ्योरम तो बोलती है, मैंने बोला हाँ मतलब इसमें कौन सी बड़ी बात है. अब अगर अपन इस चीज को समझें और अच्छे से देखें तो यहाँ पे मैं इक्वेशन वन लिख रहा हूँ और इसको इक्वेशन टू लिख रहा हूँ. इक्वेशन में वन में क्या बोल रहे हैं भाई, पी क्यू टू पैरेलल टू क्या है, ए सी. मतलब सर यहाँ से पी क्यू पैरेलल टू ए सी है, बस इक्वेशन टू से क्या है, एस आर पैरेलल टू क्या है, ए सी. तो PQ parallel to AC, SR parallel to what? AC. तो सर PQ parallel to AC, and then SR भी क्या है? Parallel to AC. Then can we say कि भाई सर PQ parallel to क्या हो गई? SR. तू भी इसके parallel, तू भी इसके parallel, तुम दोनों आपस में क्या हो जाओगे? Parallel. फिर सर PQ जो है, वहां से आप देखिएगा कि वहां से जो PQ है, PQ is equal to half of AC. और यहां से आपके पास एस आर इज इक्वल टू कितना, हाफ ऑफ ए सी, पी क्यू हाफ ए सी, एस आर हाफ ए सी. तो कहना है से पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाए, एस आर, क्योंकि तू भी आधी एसी, तू भी आधी एसी, तो तुम दोनों की एसी की तेसी, तुम दोनों आपस में इक्वल हो गए, तो पी क्यू इक्वल टू क्या हो गया, एस आर. इसका मतलब पी क्यू आर एस क्या हो गया, पी क्यू आर एस क्या हो गया, पैरेलल. Hence proof. आराम से सर आप म्यूट हो. गिवन क्या है आपके पास, ए बी सी डी क्या है आपके पास, रेक्टेंगल, और पी क्यू आर एस इसके क्या है, मिड पॉइंट्स, पी क्यू आर एंड एस इसके क्या है, मिड पॉइंट्स. ठीक है सर. सर टू प्रूव में क्या करना है आपको, अगर मैं बात करूं तो टू प्रूव में आपको कहीं ना कहीं करना है पी क्यू आर एस is rhombus, PQRS is rhombus. बना लो पहले. तो सर करें अच्छे से और आराम से कि यहाँ पे आपके पास आपने अगेन BD को क्या कर लिया, BD को भी दिया, मुझके आप AC को ही ज्वाइन करो ताकि आपका जो प्रोसेस है वो चलता रहे. तो सर PQRS को आपको प्रूफ करना है rhombus, PQRS को क्या प्रूफ करना है आपको, rhombus. सर ठीक है करते हैं. अब अगर मैं बात करूं वापस से पटपट देखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, वापस से कॉपी, ए बी सी, पी क्या है, पी इज मिड ऑफ ए बी, एस इज मिड ऑफ बी सी, अपन बोल सकते हैं पी एस इज, और पी एस इज इक्वल टू हाफ बी सी. किस चीज के कारण दोस्तों, मिड पॉइंट थ्योरम के कारण, मिड पॉइंट थ्योरम के कारण कि पी एस इज पैरेलल टू बी सी और पी एस इज इक्वल टू कितना, हाफ बी सी.
अगर मैं अच्छे से बात करूं और सिस्टमेटिक लेके चलूं, हाँ PS is parallel to AC and PS is equal to कितना half AC, ठीक है क्या? अब अगर मैं आगे लेके चलूं और सिस्टमेटिक लेके चलूं, तो इन ट्राइंगल जो दूसरा ले रहे हैं हम, इन ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी क्यू इज क्या मिड पॉइंट ऑफ कितना ए डी, आर इज मिड ऑफ कितना डी सी, अपन वापस से बोल सकते हैं क्यू आर इज पैरेलल टू कितना ए सी, और क्यू आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, क्यू आर इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। तो किससे भैया, मिड पॉइंट थ्योरम। सर क्या ये फर्स्ट क्वेश्चन पे चलता आ रहा है? मैंने बोला हाँ दोस्तों, ये फर्स्ट क्वेश्चन पे चलता आ रहा है। तो क्यू आर इज पैरेलल टू कितना ए सी। सर हम वापस से इसको इक्वेशन वन नाम देते हैं, यहाँ पे इक्वेशन टू नाम देते हैं, और फ्रॉम इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू कैन वी से कि क्यू आर, क्यू आर पैरेलल टू क्या है ए सी, और पी एस पैरेलल टू भी क्या है ए सी। तो क्यू आर इज पैरेलल टू पी एस, और क्यू आर इज इक्वल टू कितना पी एस, टू आर पैरेलल टू हो गया पी एस, और क्यू आर इक्वल टू भी क्या हो गया पी एस। ऐसे में दोस्तों पी क्यू आर एस का पैरेलोग्राम कहलाना कुछ गलत नहीं है। पी क्यू आर एस इज वॉट पैरेलोग्राम, पी क्यू आर एस इज, अब क्योंकि पी क्यू आर एस पैरेलोग्राम है, क्योंकि पी क्यू आर एस क्या है, अब इसको प्रूफ क्या करना है, रोम्बस। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं दो ट्राइंगल लूंगा, सर कौन कौन से, याला एक ट्राइंगल लूंगा क्यू डी आर और यहां से एस सी आर। तो इन ट्राइंगल कौन सा क्यू डी आर, एंड ट्राइंगल कौन सा एस सी आर, एस सी और कैन वी से इसका एंगल डी इज इक्वल टू उसका एंगल सी, दोनों क्या बोल सकते हैं, डी आर इज इक्वल टू कितना है आर सी, डी आर इज इक्वल टू कितना है आर सी, क्योंकि आर क्या है, आर इज मिड पॉइंट, डी आर इज इक्वल टू आर सी, और लास्ट पार्ट ये जो क्यू डी है क्या वो एस सी के इक्वल होगी? सर क्यू डी इक्वल टू एस सी क्यों होगी, इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए डी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। सर ये बात भी सही है। तो ट्राइंगल एस ए एस, एस ए एस से क्या होगा कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल क्यू डी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एस सी आर बाय वॉट, एस ए एस बाय वॉट। सर इससे आपको मिला क्या, हासिल क्या हुआ, इसकी क्यू आर इसकी एस सी आपस में क्या हो गई इक्वल। तो कैन वी से बाय सीपीसीटी, बाय व्हाट, बाय सीपीसीटी क्यू आर इज इक्वल टू व्हाट एस सी। अब अगर क्यू आर एस सी की इक्वल हो गई, मान लो दोनों क्या हो गई एक्स एक्स, तो क्या अपन बोल सकते हैं पी एस भी फिर क्या हो जाएगी एक्स, और पी क्यू भी क्या हो जाएगी एक्स। सर क्योंकि क्यू आर किसके इक्वल है, सर क्यू आर नॉर्मली किसके इक्वल थी पी एस के, और पी एस किसके इक्वल थी पी एस, अपन बात करें ठीक है ना, और यहाँ पे एस आर किसके इक्वल थी पी क्यू। तो क्या सर सारी साइड्स ही इक्वल हो गई, हाँ क्योंकि सारी साइड्स इक्वल हो गई, तो कैन वी से पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस एज ऑल साइड्स आर इक्वल। ट्राई करो, और यहाँ एस सी की जगह एस आर है, ये देख लेना। सर अगर ऐसा ही अगला क्वेश्चन देखें, सर हम किस तरफ जा रहे हैं, मतलब अब जाने की तो क्या ही बातें हैं। अगला क्वेश्चन दिया है आपको ए बी सी डी अपने आप में क्या है, एक ट्रेपेजियम अगर अपन लेके चले तो आपके पास ए बी सी डी क्या है आपके पास ट्रेपेजियम। सर ठीक है, फिर उसमें और क्या गिवन है जरा देखिए। अगर अपन क्वेश्चन नंबर फोर के अंदर, सर ए
बी सॉरी ए बी नीचे ही दिया हुआ है आपको, तो ए बी सी डी क्या है ट्रेपेजियम, ए बी पैरेलल टू डी सी, बी डी इज अ डायगोनल, बी बी इज अ डायगोनल, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, मतलब इन्होंने ई इधर देखे रखा है, E is the midpoint of AD. ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा क्वेश्चन कह रहा और बोला है कि E से एक लाइन जो कि इधर इंटरसेक्ट करती है G पे, वहां पे पहुंच रही किस F. आपको प्रूफ करना है कि F टू प्रूफ में है, जो आपका टू प्रूफ में आ रहा है आपके पास, F is mid of कितना, F is mid of BC, F is mid of सर ठीक है ट्राई करते हैं, कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं, ये बात आपके गिवन वाला पार्ट आ रही है कि आपको बोला है कि जो पूरी EF है वो पैरेलल टू क्या है AB, और इनडायरेक्टली वो पैरेलल टू क्या होगी CD, क्योंकि ABCD अगर ट्रेपेजियम है तो AB पैरेलल टू क्या है CD, ABCD अगर ट्रेपेजियम है तो AB पैरेलल टू क्या होगी CD. चलो सर अब अगर अपन अच्छे से बात करें और आराम से बात करें तो मेरे पास इन ट्रायंगल ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी कैन वी से ई इज मिड ऑफ, ई इज व्हाट ए डी, और सर अगर यहाँ पे आपको अभिषेक मिल गया तो सेकंड चीज में आपको अमिताभ के बने कि ई जी इज पैरेलल टू ए बी, सर क्यों ई जी इज पैरेलल टू ए बी, क्योंकि पूरी ई एफ पैरेलल टू क्या है ए बी, तो सर अगर पूरी ई एफ पैरेलल टू क्या है ए बी तो ई जी पैरेलल टू भी क्या होगा ए बी, तो सर बाय मिड पॉइंट थ्योरम नहीं, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन से कि भाई ये मिड पॉइंट है ये पैरेलल ही है, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम जी इज मिड ऑफ BD, G is mid of BD. सर ठीक है, मतलब ये बात भी सही है, G is mid of what? BD. सर ठीक है, अगर अपन थोड़ा सा आगे चले तो सर इसी चीज को और ढंग से देखा जाए तो मेरे पास ये चीज बन रही है कि इन ट्राइंगल बी सी डी G is mid of BD. ये क्या है मिडपॉइंट ऑफ व्हाट बीडी, तो प्रूफ करा यहाँ पे प्रूफ हुआ है, ये पे तो प्रूफ करा है, तो जी इज मिडपॉइंट ऑफ कितना बीडी, एंड जीएफ इज पैरेलल टू कितना सीडी, जीएफ इज पैरेलल टू कितना, सर क्यों जीएफ, क्योंकि सर पूरी ही ईएफ पैरेलल टू क्या है सीडी, पूरी ईएफ पैरेलल टू क्या है सीडी, तो जीएफ पैरेलल टू क्या हो, अगेन बाय कन्वर्स of mid point theorem F is mid of BC, जो कि आपको प्रूफ करना था, जिसके आगे अपन बोल सकते हैं hence proved, अगर मैं